वेलकम टू रेसिपियाना। आज हम आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो आलू लिया है जो उबला है और इसको हमने छील लिया है। ये भुना हुआ जीरा है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर यानी। ये नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, ये लाल मिर्च है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ तीन ली है। ये धनिया है, ये गार्निशिंग के लिए है, और ये टमाटर का पेस्ट है, दो बड़े टमाटर मैंने लिए हैं और उसको मिक्सी में पीस लिया है, और ये एक गिलास पानी है। मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है, ये दो बड़े चम्मच तेल है, मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं और देशी घी भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डालूंगी। इसमें ये जो लाल मिर्च ली थी मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है, इसको डालूंगी। ये ध्यान रखना है कि जब जैसे ही तड़कने लगे लाल मिर्च वैसे ही आंच को धीमा कर दें, नहीं तो आपके ऊपर तेल के छिटके आएंगे। अब मैं इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इसको तेल में डालने से हल्दी पक जाती है और इसका कड़वापन खत्म हो जाता है और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं टमाटर डालूंगी जो मैंने पहले से पीस के रखा है। अब ये हम तब तक भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए और पानी सूख ना जाए टमाटर का। ये आलू है, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको हम हाथ से फोड़ के डालेंगे। इस तरह फोड़ के डालने से सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी बनती है। कभी कभी आप देखते होंगे पानी अलग हो जाता है और आलू अलग रहता है, उस तरह नहीं रहेगा। इसको हम फोड़ लेंगे सब। ये मैंने आलू को मसल लिया है, इसको फोड़ लिया है, बहुत मसला भी नहीं है कि गुटकियां गुटकियां हैं इसके। अब हम मसाले को ढक के भूनेंगे जिससे हमारी गैस कम खर्च हो और ये जल्दी भून जाए। इसको पूरा नहीं भूनेंगे, ऐसे इस तरह भूनेंगे चम्मच से टेक लगा के, जिससे सिर्फ धुआं निकलता रहे। हम इसको बीच बीच में हमने चलाया था, अब देख सकते हैं आप कि हमारा मसाला भून गया है और तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे, ये आधा चम्मच था, और ये नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। जो हमने आलू फोड़ के रखा था उसको डालेंगे और मिलाएंगे। इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट हो गया है, मैंने इसको मध्यम आंच पे भूना है, और ये देखिए नीचे अब लग रहा है कढ़ाई में, तो यानी भून गया है। इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास के करीब। यदि आपको और पतला करना है तो आप 1 कप के करीब पानी आप डाल सकते हैं, और नहीं तो 1 गिलास पानी ही डालिए आप। इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। हमारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं,
अब हम खोल के देखेंगे। देखिए हमारी सब्जी तैयार है आलू टमाटर की। इसको हम ढक देंगे। पहले उबाल आ गया था, फिर हमने इसको धीमी आंच पे करके ढक दिया था और 5 मिनट हो गए। फिर अब हम इसको बंद कर देंगे और इस ढक्कन को हम 5 मिनट बाद हटाएंगे, जिससे हमारी सब्जी का कलर अच्छा आएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। और इसमें हम डोंगे में पलट कर धनिया से गार्निश कर लेंगे। हमने अपनी सब्जी को बाउल में पलट लिया है और इसको हम धनिया से गार्निश कर देंगे। अब हमारी सब्जी तैयार है। आप इसे आलू पूरी के साथ या सादी पूरी के साथ या पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।